हजारीबाग में मोटर वाहन कानून के विरोध में केंद्र के निर्देशानुसार पैदल मार्च डिस्ट्रिक्ट मोड़ से कचहरी, आनंदा चौक, गुरु गोविंद सिंह रोड, मालवीय मार्ग, झंडा चौक, इंद्रपुरी चौक होते हुए धरना स्थल तक पहुंचा। वहां पहुंचकर सभा में यह मार्च तब्दील हो गया। झारखंड विकास मोर्चा के वरिष्ठ नेता बटेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि अविलंब यह काला कानून को वापस लिया जाए और पुराना कानून को वापस लाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि चौक चौराहे पर प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण लाइसेंस बनाया जाए ताकि जनता को सहूलियत पहुंच सके। मेहता ने यह भी कहा कि चंदा लेकर झारखंड सरकार देश चलाना बंद करे। जिला अध्यक्ष सुशील पांडे की अध्यक्षता में कार्यक्रम को किया गया। किस चीज को लेकर के आज आप लोग रैली निकाले हुए? नया मोटर व्हीकल एक्ट का हम लोग विरोध करते हैं और एक नया एक्ट के विरोध में हम लोग वापस लो यह मांग लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और लाइसेंस जो दे दिया जा रहा है DTO ऑफिस में 6 से 7 हजार रुपए घूस लिया जा रहा है। हम सरकार से कह रहे कैंप लगा करके लाइसेंस निर्गत किया जाए और गरीब का बेटा ही ड्राइवर बनता है। 40,000 से 30,000 हैवी लाइसेंस बनाने में लगा जा रहा है। गरीब मजदूर मारे जा रहे हैं। इस सरकार का कोई चिंता नहीं गरीबों पर, सिर्फ इनका खजाना खाली हो गया है। एक जनता का मुंह मोड़ने के लिए यह कानून लागू किया है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। जो पुराना कानून है उसको लागू करे। और हम लोग भी बोलते हैं हेलमेट हर आदमी लगा चले, लेकिन पुराना कानून एक्ट लागू नहीं होगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।